आज की युवा पीढ़ी हमारे देश का आने वाला भविष्य है। अगर आप भी बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ खास काम करना है। आपको उनके कमरे को भी वास्तुशास्त्र के तरीके से अरेंज करना होगा। चलिए इसके लिए मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताती हूँ जो आपके काम आएंगी। घर में बच्चों का कमरा, जैसे मैंने आपको कहा, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन के बीच में हो सकता है। बच्चों का जो बेड साइड है, जब सुबह उठते हैं तो सिर ईस्ट की तरफ रख के सोएंगे तो इनका फोकस बढ़ेगा, और अगर इनकी सिर साउथ की तरफ होगा तो रिलैक्सेशन मोड में उठेंगे। बच्चे के कमरे का दरवाज़ा ईस्ट डायरेक्शन में हो और पलंग साउथ डायरेक्शन में हो तो ये परफेक्ट होता है। कभी भी बाथरूम के पास पढ़ने का सामान या सिलेबस या बुक्स नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही कमरे में बुक्स की रैक या जिसको हम बुक्स का एरिया बोलते हैं, ये नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर घर में जगह की कमी के कारण बेडरूम में पढ़ाई करनी हो तो पढ़ने वाली टेबल, लाइब्रेरी और ये सब कुछ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, पर पढ़ते समय चेहरे को ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रखें।